अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शकील अवान और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक इमेज के हवाले से जिसकी एक्सटेंशन .webp के नाम से जो है इसकी एक्सटेंशन है। प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो हम डाउनलोड कर लेते हैं नेट से, जो है डाउनलोड कर लेते हैं, हमें इमेजेस कुछ चाहिए होती हैं, तो उसमें हमारे साथ इशू ये आता है कि ये वाली जो इमेजेस हैं, इस एक्सटेंशन की जो इमेज होती हैं, ये फोटोशॉप में जो है फोटोशॉप में ओपन नहीं होती। तो उसका जो सोल्यूशन है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास फोटोशॉप है, हम फोटोशॉप को ओपन करते हैं। और यहाँ पे आप जब ओपन करेंगे इस इमेज को, ये देखें, ये मेरे पास ये एक 500 webp का एक इमेज पड़ा हुआ है। मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ तो मुझे ये वाला जो एरर है ये यहाँ पे आ जाता है। इस एरर को हम कैसे रिमूव करेंगे और इस इमेज को जो है वो कैसे हम अपने जो है वो ओपन कर सकते हैं, इस इमेज को जो है वो किस तरह आप ओपन कर सकते हैं यूट्यूब में और एडिट कर सकते हैं, आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है। हमारे पास जो है वो एक एक्सटेंशन यहाँ मौजूद है, मेरे पास एक प्लगइन जो है वो मौजूद है मेरे पास यहाँ पे। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ये प्लगइन जो है वो आपने एक स्पेसिफिक जगह पे जाके जो है वो पेस्ट करना है, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको ये मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो आप राइट क्लिक करेंगे, आप इसको जो है इस इमेज को जो है वो आप कॉपी कर लें, ओके, और इस पर आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन में चले जाएं। ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास जो है ये ऐप में आप जाएंगे और PS में आप जाएंगे, उसके बाद जो है आप रिक्वायर्ड में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आप ढूंढेंगे प्लगइन, ये प्लगइन्स में जाएंगे और ये जो इमेज आपने यहाँ से जो है वो कॉपी किया था, ठीक है, इस इमेज को जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मौजूद होगा, इस इमेज को जो है वो आपने यहाँ से कॉपी करना है, उस डाउनलोड करने के बाद आपने कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इतना सा काम था, इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होगा। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए अब हम यहाँ फाइल में जाते हैं, ओपन में जाते हैं और वही वाली फाइल जो है हमारा ये जो रिस्पॉन्स webp के नाम से है ये हम ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास इमेज जो है वो ओपन हो जाता है। इसको आप अब एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो वीडियो जो है वो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर इसी तरह की वीडियोज़ आप देखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। वेरी थैंकफुल टू यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग।